सो ऑर द कॉमन एथिकल प्रिंसिपल दैट आर गाइडिंग ह्यूमन एक्शंस द रियल इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू लिव बट टू लिव वेल तो रियल इंपॉर्टेंट थिंग क्या है नॉट टू लिव बट टू लिव वेल एंड लिव वेल मीन अलॉन्ग विद मोर इंजॉयबल थिंग्स इन द लाइफ टू लिव अकॉर्डिंग टू योर प्रिंसिपल ऑक्रेट्स ने बुलाया कि आपको कैसे रहना है जीना है टू लिव अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रिंसिपल सो महात्मा गांधी के दो प्रिंसिपल्स थे नॉन वायलेंस इंड ट्रुथ एंड स्वामी विवेकानंद के एक ही प्रिंसिपल था चैरिटी करना सो एक क्वेश्चन है ट्रस्ट डेफिसिट पे करेंट सोसाइटीज़ स्लैगड विद द राइट्रेड ट्रस्ट डेफिसिट किसी को किसी पर भरोसा नहीं है सो कॉन्सिक्वेंस क्या है सिचुएशन के फॉर द पर्सनल वेलबींग एंड फॉर सोसाइटी वेलबींग आपकी पर्सनल वेलबींग पे क्या दिक्कतें हैं फॉर सोसाइटी वेलबींग एंड वॉट कैन यू डू एट द पर्सन लेवल टू मेक योर सेल्फ ट्रस्ट वर्दी क्या कर सकते हैं अपने आपको ट्रस्ट वर्दी बनाने के लिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला है द लाइफ पनिशमेंट इज़ नॉट इन द लीज दैट ही इज़ नॉट बिलीव बट दैट ही कैन नॉट बिलीव एनी वन एल्स तो ये बोला है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने द लाइफ पनिशमेंट इज़ नॉट इन द लीज दैट ही इज़ नॉट बिलीव बट दैट ही कैन नॉट बिलीव एनी वन एल्स सर पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स हमारे लव करते हैं अनकंडिशनली हमें ट्रस्ट करते हैं अनकंडिशनली अनटिल वी ब्रेक द ट्रस्ट तो जैसे पेरेंट्स अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली यही समझाए नेवर ब्रेक एनी वन ट्रस्ट कभी भी किसी का ट्रस्ट मत तोड़ो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो हमें अनकंडीशनली ट्रस्ट करते हैं अनकंडीशनली लव करते हैं फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट भी आपको बहुत सारी पावर देती है तो so, कॉन्स्टिट्यूशन आपको बहुत सारी पावर देता है फॉर एग्जाम्पल यू आर अ चार्ज ऑफ मनी आप ट्रस्ट वर्दी हो गए आपको मनी दी जा रही है इन द चार्ज ऑफ द मनी सॉरी ट्रस्ट वर्दी फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज सेलेक्टेड बिकॉज पीपल हैज़ ट्रस्ट ऑन हिम ट्रम्प वॉज सेलेक्टेड बिकॉज पीपल हैज़ ट्रस्ट ऑन हिम ट्रस्ट क्या होता है बहुत ही फ्रेजाइल होता है कभी भी टूट सकता है पहला तो होता है विन करना विन करना ईजी होता है किसी का ट्रस्ट विन करना फिर उसको कीप करना उस ट्रस्ट को बनाए रखना इट इज़ अ डिफिकल्ट पार्ट फर्स्ट चीज़ है अवॉइड डिसेप्शन चीट मत करो फॉर एग्जाम्पल एक दुकान वाला आपको महंगा सामान बेच रहा है बार बार चीट कर रहा है और दुकान पे जाओ सस्ता मिलेगा आप एक बार जाओगे दो बार जाओगे फिर नहीं जाओगे तो इस तरीके से अवॉइड डिसेप्शन किसी को धोखा मत दो सर so, झूठ बोलना है, इसे बोलेंगे डिसेप्शन लाइंग एंड डिसेप्शन फॉर एग्जाम्पल आप एक बार धोखा दे सकते हो दो बार दे सकते हो लेकिन फिर लोग बिलीव नहीं करेंगे फॉर एग्जाम्पल वो भेड़िया आया भेड़िया वाला भेड़िया आया वाली स्टोरी है तो पीपल वॉन्ट ट्रस्ट यू इफ यू कीप ऑन डिसेप्टिंग सो so, डिसेप्शन नहीं करना अवॉइड डिसेप्शन तो एक चीज़ है धोखा देना लाई करना झूठ बोलना सो so, इस तरीके से हम डिसेप्शन करते हैं हम धोखा देते हैं दैट इज़ बाय लाइंग सो हम लाई क्यों करते हैं टू अवॉइड क्राइसिस फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स ने पकड़ लिया तो हम झूठ बोल देंगे बॉस ने पकड़ लिया झूठ बोल देंगे टू अवॉइड अ क्राइसिस वी लाए ऑफन वी लाए ऑफ़न टू अवॉइड अ क्राइसिस हर टाइम नहीं बोल झूठ बोलते बट टू अवॉइड अ क्राइसिस ऐसा लग सकता है कि प्रॉब्लम सकते हैं अगर सच बोलेंगे टू अवॉइड क्राइसिस वी लाए तो हमेशा नहीं झूठ बोलते वी ओनली सेलेक्टिवली लाइन क्राइसिस सिचुएशन ओनली सेलेक्टिवली लाइन क्राइसिस सिचुएशन बच्चे लाइ करते एज अ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएगा तो दे लर्नस हम घर पे झूठ बोलना नहीं सीखते पर लर्नस लाइज इन स्कूल झूठ बोलना स्कूल में सीखते हैं सो अवॉइडिंग डिसेप्शन सो डिसेप्शन तीन लेवल पे होता है एक तो लाइन इंटेंशनली मिसलीडिंग अदर्स तो डिसेप्शन तीन लेवल होता है एक होता है लाइन दैट इज इंटेंशनली मिसलीडिंग अदर्स एंड वी ऑफ एन लाइट टू अवॉयड द क्राइसिस एंड वी ऑफ एन लाइट बाई टेलिंग हाफ ट्रूथ आधा सच बचा के वी ऑफ एन लाइ और डिसीव अदर फॉर एग्जाम्पल आप मूवी देखने गए दोस्त के साथ अगर पापा को बनाया कहाँ पे हो दोस्त के साथ हूँ ये नहीं पता मूवी देखने गए तो ये क्या है हाफ ट्रुथ फॉर एग्जाम्पल आप शॉपिंग करने गए ठीक है बॉयफ्रेंड के साथ अब घर से घर वालों को बनाया कहाँ पे हो शॉपिंग कर रहे हैं ये नहीं पता किसके साथ कर रहे हो बॉयफ्रेंड के साथ तो ये क्या है हाफ ट्रुथ्थ सो अवॉइडिंग डिसेप्शन में दैट इज डिसेप्शन एट थ्री लेवल मीन्स लाइंग इंटेंशनली मिसलीडिंग अदर्स किसी को मिसलीड करना और स्टेटिंग हाफ ट्रूथ डेलीबरेटली ऑमिटिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन आधा सच बोलना डेलीबरेटली ऑमिट करना क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन सो हम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं बताते फॉर एग्जाम्पल अच्छे दिन बट कब तो ये होता है हाफ ट्रूथ फॉर एग्जाम्पल दो मैगी दो मिनट मैगी नूडल्स द हाफ ट्रूथ है दो मिनट में कहाँ बनती है मैगनी सो स्टेटिंग द हाफ ट्रूथ डेलीबरेटली ऑमिटिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन तो ये भी डिसेप्शन है तो एक तो लाइंग इंटेंशन मिसलीडिंग लीडिंग है सेकंड है स्टेटिंग हाफ ट्रूथ डेलिब्रेटी ऑमिटिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल में एक हॉस्टल में काफी लड़के पकड़े गए सिगरेट दारू के साथ अब क्या पूछा किसने ने कौन लाया किसने पार्टी की ये वो किसी ने नहीं बताया किसी ने मुँह उठाया उठाया नहीं तो क्या है ये ये क्या है इज़ अ भाईचारा तो लड़कों का भाईचारा किसी के बारे में नहीं बताएंगे किसी का क्या हुआ तो लेकिन ये चारा भाईचारा हमें नहीं दिखाना है फेलियर टू स्पीक एट ऑल वैन यू नो द ट्रूथ जब आप सच जानते फिर भी ना बोलो ऐसा हमें नहीं करना है सर्विस में आके हमें भाईचारे से दूर रहना है so, सो हमें सच बोलना है सो फेलियर टू स्पीक एट ऑल वैन यू नो दैट ट्रूथ तो अवॉइड अगर हम अवॉइड करते हैं डिसेप्शन दिस मीन्स वी आर बिल्डिंग ट्रस्ट सो एक डिसेप्शन होता है दैट यू आर नॉट एबल टू स्पीक वैन यू नो द ट्रूथ एंड एक होता है अवॉइडिंग डिसप्शन मीन्स ट्रस्ट सो इफ यू अवॉइड डिसेप्शन मीन्स वी आर बिल्डिंग ट्रस्ट सो वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कैन यू इमेजिन योर सेल्फ एज एन आई एस ऑफिसर So can you imagine yourself as an IAS officer? So question is, will you lie in the, in the name of national interest? Yes, we will lie. So lie is also important. So will you, we will lie in the name of national interest because there is nothing above the national interest. So error, intelligence agency. They do not do ethical work. They might not do ethical work, but they do in national interest. So here, nation come first. So NCF, nation come first. You must remember. तो एज अ पब्लिक सर्वेंट आर फर्स्ट यूट इज टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट नेशन कम फर्स्ट ऑलवेज एवरी टाइम यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस फाइव वर्ड्स दस्ट नेशन कम फर्स्ट ऑलवेज एवरी टाइम सो लड़की सबके सामने ओलंपिक सेरेमनी में चाइनीज नेशनल एंथम गा रही थी so, तो इतना कॉन्फिडेंस से सबके सामने चाइनीज नेशनल एंथम गा रही थी हर जगह ऐसे ही की चर्चा हो रही थी एक लड़की की छोटी सी लड़की की सो so, ये जो लड़की थी हर जगह डिस्कस की जा रही थी बिकॉज आवर ब्यूटिफुल वॉइस सो यू एस ए के में यूएसए के न्यूज़ पेपर निकाल क्यूट गर्ल फोर्स टू माइम एट ओलंपिक सेरेमनी आफ्टर चाइना बैंड सेवन ईयर ओल्ड विथ क्रुक्ट टीथ तो सात साल का क्रुक्ट टीथ एक लड़की थी उसकी आवाज बहुत अच्छी थी उसकी आवाज़ क्योंकि मिमिक करी इस लड़की की यह लड़की गा रही थी लेकिन रिकॉर्ड वॉइस थी आवाज़ दूसरी लड़की की थी और इस लड़की को फेस बना दिया इसका रिप्लाई करते हुए चाइना ने पहले तो डिनाई किया फिर रिप्लाई करते हुए बोला वी कम्बाइन द परफेक्ट वॉइस एंड द परफेक्ट परफॉर्मेंस द रीजन वॉज फॉर नेशनल इंटरेस्ट नेशन कम फर्स्ट ऑलवेज एवरी टाइम तो एन सी एफ एज अ पब्लिक सर्वन वी हैव टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट वी मस्ट रिमेंबर द नेशन कम फर्स्ट ऑलवेज एवरी टाइम तो डिसप्शन का केस है अगर हम चाइना का एग्जाम्पल दे सकते हैं ये लड़की वाला सो ऑनेस्टी वर्सेज नेशनल इंटरेस्ट की केस स्टडी ऑनेस्टी वर्सेज नेशनल इंटरेस्ट सो एनदर कंसेप्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म वी मस्ट अवॉयड डूइंग थिंग्स दट हार्मस अदर पीपल वी मस्ट अवॉयड डूइंग थिंग दट हार्म अवर पीपल सो अगर आप किसी को गलती से हार्म कर देते हो हाउ डू यू ओवरकम हार्म बाई अपोलो जाइजिंग बाई अपोलो जाइजिंग फॉर एग्जाम्पल क्लास में आप जा रहे हो किसी ने पैर गलती सा किसी का पैर लग गया आप गिर गए क्या आप उसे मारोगे क्या उसे गुस्सा हो गया नहीं एक्सीडेंटली हुआ दैट इज इंटेंशन टू हर्ट इज मिसिंग इंटेंशन टू हर्ट मिसिंग वो हर्ट करना नहीं चाहता था हो गया था तो वहाँ पर एक्सीडेंटली हुआ सो so, कोई पनिशमेंट नहीं होती है जब एक्सीडेंटली हो इंटेंशन टू हर्ट इज मिसिंग एक स्टोरी है फॉर एग्जाम्पल शादी में वो चलाया और फिर बारात में किसी इंसान के लग गई so, सपोज़ शादी में गोली चलाई किसी इंसान के लग गई क्या उसे पनिश करना चाहिए हाँ इस टाइप के लोगों को पनिश करना चाहिए बिकॉज ये रैकलेस एक्शन था ही शुड बी पनिश फॉर इस रैकलेस एक्शन ही हैज़ नो राइट टू पुट अदर लाइफ इन डेंजर्ड तो यहाँ पे पनिशमेंट होती है वेन यू आर यूजिंग रैकलैसली डेंजरिंग अदर लाइफ्स फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक कैंड ड्राइव यू आर पुटिंग द लाइफ ऑफ अदर पर्सन एट रिस्क फॉर एग्जाम्पल ड्रंक होके आप प्लेन फ्लाई कर रहे हो सो वी मस्ट वी रिक्वायर अस टू अवॉयड हार्मिंग अदर्स डायरेक्ट और इन डायरेक्ट वे हमें दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए हार्म har, नहीं करना चाहिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे तो जब हम अवॉयड करते हैं हार्म दिस मीन्स वी आर बिल्डिंग ट्रस्ट सो डायरेक्ट हार्म मीन्स हम फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं फिजिकल हार्म कर रहे हैं इन डायरेक्ट हार्म द अंडर रेटेड डाउनग्रांड्स कमेंट्स कैन डू इन डायरेक्ट हार्स आपके अगर अंडर डाउन ग्रेडेड कमेंट कर रहे हो किसी के बारे में किसी की इमेज बारे में किसी लड़की के बारे में बातें कर रहे हैं कि वो तो ऐसे बच्चे लेने हैं दस बॉयफ्रेंड चलाती है तो इन डायरेक्ट हार्म कर रहे हो सो वी मस्ट अवॉयड डूइंग हार्मूइंग नो हार्म अवॉडिंग डूइंग थिंग्स दैट हार्म अदर पीपल फॉर एग्जाम्पल एक्सीडेंटली इंटेंशन टू हर्ट इज मिसिंग सो फर्स्ट एक्सीडेंटली वैन इंटेंशन टू हर्ट इज मिसिंग रैकलेसली इन डेंजरिंग अदरलाइस तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते यहाँ पे एक्सीडेंटली में पनिशमेंट नहीं मिलेगी रैकलेसली काम कर रहे हो आप दूसरों की लाइफ खतरे में डाल ले तो पनिशमेंट मिलेगी फॉर एग्जाम्पल ड्रंक एंड ड्राइव एंड अस टू अवॉइड हार्मिंग अदर्स इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे किसी तरीके से हार्म नहीं करना है ना कि ना ही डायरेक्ट वे में ना ही डायरेक्ट वे में तो एक वायलेंस होता है फिजिकल तो वी ग्रो अप कहीं ना कहीं हम फिजिकल वायलेंस करते हैं अपने इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप अगर मिनिस्टर जाता है अगर मिलने अगर मिनिस्टर जाता है किसी स्टेट में कौन किसी स्टेट में किसी डिस्ट्रिक्ट में कौन उसे कलेक्ट करेगा डीएम डीएम को सारा एक्सेप्ट करना पड़ता है मिनिस्टर को सोट इज़ अ प्रोटोकॉल तो सुल्तानपुर में क्या हुआ था एक बार अनऑफिशियल विजिट थी अखिलेश यादव की तो so, अनऑफिशियल विजिट थी वेलकम कौन करेगा डीएम ने वेलकम किया बिठाया बिठाया, बिठाया बोला कि ठीक है ऑफिशियल अपनी स्टार्ट करो अपनी पॉलिसी बताने लगे अखिलेश यादव सुल्तानपुर मीटिंग में एक कॉलेज में मीटिंग होनी थी ऑडिटोरियम में बोलते बोलते लेडी ऑफिसर की तरफ देख के बोले सुंदर है बहुत ही मधुर वाणी है इनकी कटकाठी भी बहुत अच्छी है तो एक मिनिस्टर एक स्टेटमेंट कर रहा है बॉडी की वुमेन बॉडी में वो भी स्टेज पे वो भी पब्लिक में तो आप कोई मिनिस्टर ऐसा कर सकता है सो तो ये है इनडायरेक्ट हार्म वर्स देन स्लैपिंग स्लैपिंगर थप्पड़ मारने से ज़्यादा बुराई से बोलते हैं इनडायरेक्ट हार्म तो पाँच मिनट पहले डीएम थी दी, अब क्या हो गई एन ऑब्जेक्ट टू बी लुक एट एक ऑब्जेक्ट जिसको देखा जाना चाहिए सो मोर देन फिजिकल वायलेंस वर्ड्स हर्ट तो हमें अच्छे वर्ड्स अच्छे करने हैं वर्ड्स हर्ट मोर देन फिजिकल वायलेंस इट डू अनडेमेजबल हार्म अन डैमेजबल हार्म तो फिजिकल वायलेंस होता है इस तरीके से इंडायरेक्ट हार्म होता है कि आप कुछ बोल के किसी को हर्ट कर रहे हो इमोशनली सो वट्स काइंड ऑफ हार्म इज दिस काइंड ऑफ हार्म और ट्रस्ट कैसे बोल सकते हैं बोल कर सकते हैं वाई फिडिलिटी मीन्स लॉयल्टी फिडिलिटी मीन्स लॉयल्टी तो आप क्या करते हो कमिटमेंट करते हो सो यू शुड फुलफिल योर कमिटमेंट अगर आप कमिटमेंट करते हो तो फुलफिल करो या तो करो ही मत फॉर एग्जाम्पल आप जब स्कूल में लिखते हो एप्लीकेशन लिखते हो लीव की तो आप लिखते हो योर सिंसियरली योर ओ जैसे आप बहुत ओबीडेंट हो गए बहुत सिंसियरली होगा आप नहीं होते तभी क्या होता है कि कोई भी ऑफिसर सिग्नेचर करने में बहुत ज़्यादा देरी करता है क्यों करता है बिकॉज आप सिग्नेचर का मतलब आप कमिटमेंट कर रहे हो तो आप वही कमिटमेंट करो जो फुलफिल कर पाओ वो ना करो जो आप ना कर पाओ सो यू शुड फुलफिल योर कमिटमेंट्स एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स प्रामिस ओथ्स एक्सेट्रा

So don't deceive, don't harm, and fulfill your commitment. So don't deceive, don't harm, and fulfill your commitment. DSC, this is how you will build your trust. Fidelity, you should fulfill your commitment, agreement, contracts, promises, and oath, and you should act faithfully in relationship. It is an important basis for trust. So Confucius Nibalata hold faithfulness and sincerity as first principles. So hold. Faithfulness and sincerity as first principle, Confucius. So we must promise only that what we can deliver. फेटिलिटी इज इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ ट्रस्ट अंडर चीज़ होती है लॉ लेजनेस लॉफुलनेसन अदर चीज एंड वी शुड वी हैव अ ड्यूटी टू नो बेसिक कॉन्स्ट्यूशन लॉज वी शुड फॉलो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ लेजिटिव लॉ एक्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज एंड द लॉज दट इज फॉर्म बाई जुडिशल डिसीजन सो वी हैव टू डील विद वेरी इलिट्रल पीपल इंडिया में काफ़ी इलिट्रेसी है काफ़ी अन काफी इग्नोरेंस है तो हमें क्या करना है जैसे कई बार पता नहीं होता है कि जन्म प्रमाण क्या होता है तो बोलेंगे मैं बाप मैंने मैं ले गया था हॉस्पिटल में क्या जन्म प्रमाण दूँ जन्म प्रमाण नहीं समझ में आता कि क्यों हम गवर्नमेंट कैसे हमें जन्म प्रमाण देगी कि मेरा बच्चा ये है कि नहीं है मुझे पता है मेरा बच्चा है तो इस तरीके के, के केसेस आते हैं बी के पास हर दिन डीएम के पास तो हमें ऐसे लिटरेट पॉपुलेशन के साथ डील करने आना चाहिए सो वॉट आर द थ्री प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्ट बोलेंगे ऑनेस्टी मींस सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सो so, डायरेक्ट हो गया फिजिकल हार्म एंड इन डायरेक्ट हार्म बाई यूजिंग वर्ड्स थर्ड होता है लॉयलिटी, फिडिलिटी मेंटेन करना कमिटमेंट फुल करना और फेथफुल रहना रिलेशनशिप में सो प्रैक्टिसिंग ऑनेस्टी मीन्स डोंट चीट सो वॉट इज ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज़ अ ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक दैट रिफ्लेक्ट्स अ क्वेस्ट ऑफ ट्रूथफुलनेस रेदर दैन डिसीड इन थाट एंड एक्शन दैट रिफ्लेक्स क्वेस्ट ऑफ़ ट्रूथफुलनेस रेदर दैन डिसीड इन था एंड एक्शन ऑनेस्टी इज़ अ ड्यूटी टू भी नॉन डिसेप्टिव तो so, ऑनेस्टी का एक ड्यूटी है टू भी नॉन डिसेप्टिव किसी को डिसेप्शन नहीं करना किसी को धोखा नहीं देना ऑनस्टी इंपोजेज रिस्पॉसिबिलिटी ऑन इंडिविजुअल टू भी कंसिस्टेंटली ट्रूथफुल इन देयर इंटरेक्शन विद अदर इन इंटरपर्सनल जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन inter तो so, no. no, कर रहे हो तो यू हैव टू भी कंसिस्टेंटली ट्रुथफुल तो लर्न टू से नो वी मस्ट से लर्न टू सेन चीटिंग हम चीटिंग करवा देते हैं हमें नो no कहना आना चाहिए फॉर एग्जाम्पल केस स्टडी है वहाँ पे एक बुक मिल रही है जिसमें लिखा है बुक का नाम चीटिंग वन जीरो वन कि आप आराम से अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इस चीज चीटिंग कर लो तो क्या आप ये चीटिंग ट्रिक्स खरीदोगे कि चीटिंग ट्रिक्स दे रखी थी एक सौ एक क्या आप उस बुक को खरीदोगे चीटिंग करने के लिए एग्जाम में पास होने के लिए प्रैक्टिसिंग ऑनिस्टी एंड अवॉइडिंग डिसप्शन मीन्स आप ट्रस्ट बिल करो एनी थिंग इज बेटर देन लाइज एंड डिसीट ये बोला है लियोटोल्स टॉय सो इन्होंने बोला एनी थिंग इज बैटर देन लाइज एंड डिसीड एनी थिंग इज बेटर दैन लाइज एंड डिसीड सो प्रैक्टिकली और ऑनेस्टी देखिए एम्प्लाइज बिंग नॉन डिसप्टिव दैट इज नॉट इंडल्जिंग इन लाइंग इंटेंशनली मिसलीडिंग अदर किसी को झूठ बोलना किसी को मिसलीड करना तो पीपल जनरली झूठ का बोलते हैं दे टेल एन लाइन इन द क्राइसिस सिचुएशन टू इसकेप द स्केप फ्रॉम द सिचुएशन क्राइसिस सिचुएशन से भाग, भागने के लिए लोग झूठ बोलते हैं तो लाई करना एक होता है हाफ ट्रूथ बोलना डेलीबरेटरी ओमिटिंग क्रिटिकल इफॉर्मेशन नहीं बताना तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते क्रिटिकल इंफॉमेसन नहीं बताते तो ये बोलते हैं हाफ ट्रूथ साइलेंस फेलियर टू स्पीक एट ऑल वन यू नो द ट्रूथ साइलेंस रह जाते फॉर एग्जाम्पल भाईचारे निभा है example, भाई ने बारे, किसी को नहीं, किसी ने बताया कौन दाड़ लिया ले क्या लेके आए कौन सिगरेट लेके आए लेके आए साइलेंस फेलियर टू स्पीक वैन यू नो द ट्रूथ ऐ ऐसा एज ए ऑफिसर नहीं करना है कॉलेज तक ठीक है अब एज ए ऑफिसर आपको जो, सच बोलना है सो एज एन आई एस ऑफिसर क्वेश्चन विल यू लाई इन द नेम ऑफ नेशनल इंटरेस्ट येस वी विल लाई इन द नेम ऑफ नैशनल इंटरेस्ट वेशन कम फर्स्ट ऑलवेज एवरी टाइम जैसे चाइना का एक एग, एग्जाम्पल है ओलंपिक सेरेमनी का तो चाइना ने रिलीज किया था स्टेटमेंट वी कम्बाइन द परफेक्ट वॉइस विद द परफेक्ट परफॉर्मेंस फॉर द नेशनल इंटरेस्ट देन प्रिंसिपल ऑफ डूइंग नो हार्म अगर हम स्टार्ट कर दिया हार्मिंग इजर वी वॉन्ट बी एबल टू लिव ई अगर हम दूसरे एक दूसरे को हार्म करना स्टार्ट करते हैंदर तो नॉन वायलेंस लीज टू हाईस्ट एथिक्स विच इज़ गुड is god of all evolution until we stop harming all others we are still savages bola tha थॉमस alva edison ne सो नॉन वायलेंस रेस्ट टू हाई स्टिक्स विच इज गॉड विच इज गोल ऑफ ऑल्यूशन अंटिल वी स्टॉप हार्मिंग अदर्स लिविंग विंग्स वी आर स्टिल सेवे जैसे बोला था थॉमस एलवासन य डूइंग नो हार्म सो वी शुड डू नॉट डू द थिंग दैट हार्म पीपल एक तो एक्सीडेंटली तो होता है दैट इज इंटेंशन टू हर्ट इज देय जैसे तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इंटेंशन टू हर्ट ही तो गलती से हो गया सपोज आपका पैर लग गया लेकिन जहाँ पे आप क्या कर रहे हो रैकलेसली फायर कर दिया सपोज शादी में किसी को गोली लग गई ड्रंक एंड ड्राइव चल रहे हो तो वहाँ पे आपको किया जाएगा आपको पनिश किया जाएगा सो so, हमें अवॉइड करना चाहिए हार्मिंग अदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे डायरेक्ट मतलब फिजिकल बनेज इनडायरेक्ट मतलब बाय यूजिंग वर्ड्स सो कैन आई टी सुल्तानपुर में अखिलेश यादव ने किस तरीके से अंडर रेटेड कमेंट यूज किए थे लेडी आई एस ऑफिसर के लिए देन पेन का साइल दैट इज़ बुद्धिस्ट कोड ऑफ मॉरटेलिटी ऑल अबाउट नॉन हार्मिंग अदर्स सीख किसके लिए अब ऑल अबाउट नॉन हार्मिंग अदर्स सी है टू एब्सटेंट फ्रॉम किलिंग फिजिकली और हार्मिंग टू एब्सटेंट फ्रॉम टेकिंग वट इज़ नॉट गिविन वो मतलब जो नहीं दिया गया है नॉट स्टीलिंग और कमिटिंग फ्रॉड इकोनॉमिक हार्म तो एक तो फिजिकल हार्म हो गया एक इकोनॉमिक हार्म हो गया वर्बल हार्म हो गया टू एब्सटेंट फ्रॉम स्पीकिंग फॉल्स किसी झूठ मत बोलो गलत मत बोलो वर्बल हार्म रिलेशनशिप टू एब्सटेंट फ्रॉम सेक्शुअल मिसकंडक्ट यहाँ पे रिलेशनशिप को आप एक हार्म कर रहे हो अगर आप सेक्शुअल मिसकंडक्ट में जा रहे हो देन सेल्फ हार्म टू एप्सटेंट फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स ये सब मत करो तो सेल्फ हार्म रोको तो ये सारी हार्म्स के बारे में दिस कोड कोड ऑफ मोर्टलिटी ऑल अबाउट नॉट हार्मिंग अदर्स एंड वन सेल्फ तो यहाँ पे अपने आप को भी हार्म करने के लिए मना किया है कि इंटॉक्सिकेंट्स और ये सारी नहीं पीनी चाहिए दैन गांधी इन कंसेप्ट ऑफ नॉन वायलेंस तो गांधी डिफाइंड नॉन वायलेंस एज रिफ्रेनिंग फ्रॉम कॉजिंग पेन टू एंड किलिंग किलिंग एनी लाइफ आउट ऑफ एंगर और फॉर अ सेल्फिश पर्पज और विथ द इंटेंशन ऑफ इन्ग्योरिंग इट विद द इंटेंशन ऑफ इंज्योरिंग इट टू डायमिशन ऑफ नॉन वायलेंस एक अन वायलेंस इन थॉट एंड नॉन वायलेंस इन एक्शन फेडिलिटी मेंटेन करके रखी लॉयलिटी अपने कमिटमेंट फुलफिल करने और फेथफुल रहने रिलेशनशिप में फिर लॉलेसनेस हमें लॉ लॉफुलनेस हमें लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना है फॉर एजाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन राइट लेजिलेटिव लॉज एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज एंड लॉज फाइव जुडिशल एक्शन सबको फॉलो करना है